नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टोमेटो केचप। हाँ, टोमेटो केचप ये घर में हम आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। अभी टमाटर का सीजन है, जैसे सर्दियों में टमाटर ज़्यादा होते हैं तो इस समय आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर हमें अच्छे लाल देख कर लेने हैं। तो ये हमने लिए हैं 10 से 12, या अगर आप इसे नाप लोगे तो ये 1.5 किलो टमाटर है। टमाटर को अच्छे से धोने के बाद हमें इसका जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है उसे निकाल लेना है और फिर इसे हमें रफली चॉप कर लेना है। इस तरह इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। तो सारे टमाटर मैं इस तरह काट लूंगी। अब एक बर्तन में हमें 1 कप पानी लेना है और उसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और उसी के साथ जो टमाटर हमने कट किए थे वो। इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसे हमें ढक देना है। तो ढककर हमें टमाटर गलने तक इसे पकाना है। गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखनी है। इसे रखने में आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हो टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो एक बार उसे हम अच्छे से हिला लेंगे। अब आप देख सकते हो कि स्मैश होने लग गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका हमें प्यूरी बना लेना है। तो अब इस तरह इसकी प्यूरी जो बना ली है उसे हमें छान लेना है। तो इस तरह उसे अच्छे से छानना जरूरी है ताकि जो भी इसमें छिलका वगैरह टमाटर का बच जाए वो निकल जाएगा। अब हमें एक कढ़ाई रखनी है, उसमें जो प्यूरी हमने बनाई है वो डालेंगे। इसे छानना बहुत ही जरूरी है। अब इसी में हमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, 2 टीस्पून चीनी ऐड करनी है और बिल्कुल थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून जितनी, और इसे हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो इस तरह इसे 10 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल टोमेटो केचप जैसी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर बॉटल में भर के इसे स्टोर करेंगे। तो इस तरह हमारा टोमेटो केचप बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की सिंपल और नई नई रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।